नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों धनु राशि वालों, आप सभी लोग कैसे हैं? दोस्तों उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि माता रानी की कृपा से और इनकी आशीर्वाद से आप लोग अपने जीवन काल में बहुत ही खुश होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मैं सदैव भगवान से प्रे करूँगा कि आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में खुश रहें और ढेर सारी तरक्की और ढेर सारी उन्नति करें। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे यानी कि 13 अक्टूबर 2022 से आपके ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं बहुत बड़े बड़े महापरिवर्तन। जी दोस्तों, और दोस्तों अंतरिक्ष के ग्रह सितारे में भी कुछ इस तरह के संकेत दे रहे हैं, कुछ इस तरह के ग्रहों के निर्माण हो रहे हैं जिनसे कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप लोगों को जो खुशखबरी मिलने वाले हैं और आपके अपने जीवन काल में जो बदलाव और जो परिवर्तन देखने को मिलेंगे दोस्तों उसे देखकर आप सभी के होश उड़ जाएंगे। जी दोस्तों, तो आज के पूरे वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है, तो आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 अक्टूबर 2022 का दिन आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों आज के दिन आपके जीवन काल में क्या क्या परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, तो आप लोगों को क्या क्या खुशखबरी भी प्राप्त होने वाली हैं। दोस्तों आज के दिन आपके जीवन काल में क्या क्या शुभ घटनाएं, तो क्या क्या शुभ घटनाएं भी होने वाली हैं। आज के दिन आप लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ेगी और कौन से कार्यों को करने से आज आपको बचना होगा जिनसे कि आने वाले भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना करना ना पड़े, और दोस्तों आज आपको कौन सी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, और दोस्तों साथ ही आज आपको किन चीज़ों में सतर्क और सावधान रहने की काफ़ी आवश्यकता भी रहेगी, और दोस्तों साथ ही आज का दिन आपके प्रेम संबंध राशि पर कैसे रहेंगे, स्वास्थ्य व कल्याण राशि पर कैसे रहेंगे, आर्थिक राशि पर कैसे रहेंगे और कार्य धन को लेकर स्थितियाँ कैसे उत्पन्न होंगे, घर परिवार का माहौल कैसे रहेगा, विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। दोस्तों साथ ही बात करेंगे जिनका आपका शुभ अंक, शुभ रंग और शुभ दिशा कौन से रहने वाली है। दोस्तों इन सारे के सारे महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरी विस्तार पूर्वक से हम बताएंगे, तो आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा, और दोस्तों वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही अच्छे उपाय हम बताएंगे। दोस्तों अगर आप लोग इस उपाय को अगले 24 घंटे आने के गुरुवार के दिन इस उपाय को आप लोग कर लेंगे, दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियाँ हमेशा हमेशा के दूर हो जाएंगी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों आप लोग इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। दोस्तों आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले श्री हरि विष्णु जी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को अभी के अभी अपने प्यारे हाथों से एक लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बनने की और आपके जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियाँ और तमाम तरह के दुख तकलीफ हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। दोस्तों आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं इस दिन की पंचांग। दोस्तों इस दिन गुरुवार का दिन रहेगा। दोस्तों गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पावन रहने वाला है। दोस्तों कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी और दोस्तों रोहिणी नामक नक्षत्र का निर्माण होने जा रहा है। और दोस्तों सुबह की बात करें दोस्तों सिद्धि योग दोपहर 1:54 के उपरांत व्यातिपात योग प्रारंभ हो जाएगी। और दोस्तों राहु कल के समय की बात करें 18 दिन का वैद्य अशुभ समय की बात करें। दोस्तों शाम 1:39 से लेकर शाम 3:06 रहेगा। दोस्तों यह समय अंतराल में आप लोग अपने जीवन काल में कोई शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल ही भूल से प्रारंभ ना करें, अन्यथा आपके शुभ और मांगलिक कार्य में विघ्न एवं बधाएं भी पड़ सकती है। और दोस्तों अब जो समय की बात करें 18 दिन का बेहद शुभ समय की बात करें। दोस्तों दोपहर 12:13 से लेकर शाम 1:39 रहेगा। दोस्तों यह समय अंतराल में आप लोग अपने जीवन काल में कोई शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल ही प्रारंभ कर सकते हैं। और दोस्तों ब्रह्म समय की बात करें दोस्तों सुबह 4:50 से लेकर सुबह 5:38 रहेगा। और दोस्तों सूर्य कन्या राशि पर है और दोस्तों चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगा पूरा दिन और पूरा रात। दोस्तों समस्त ग्रहों की चाल आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, आइए पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को हम बताएंगे विस्तार पूर्वक से। दोस्तों समस्त ग्रह और नक्षत्रों की चाल से यह जानकारी मिल रही कि आने वाले अगले 24 घंटे यानी कि 13 अक्टूबर का जो दिन है आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन दिन साबित होगा। दोस्तों आज के दिन आपको अचानक धन लाभ होगा और आपके सोचे हुए काम पूरे भी होंगे, किसी नए काम को शुरुआत करने के बारे में विचार भी आप करेंगे और आज समस्याएं भी आपके सारे दूर होंगे और जो भी परेशानी आपके कई समय से चलते आ रहे थे उन सभी से आपको छुटकारा भी मिलने वाली है और आपको पुराने कामकाज में आज बेहतरीन नतीजे भी मिलेंगे। और गायत्री मंत्र का आप जाप करें, आपकी आर्थिक स्थिति में हमेशा मजबूती होती रहेंगी।
और दोस्तों आज आप ग्रहों की स्थिति के कारण हर भावना काफ़ी गहन प्रतीत भी होंगी। आपको प्यार और नफरत दोनों ही का बहुत गहनता से अनुभव भी होगा। आपको यह समझाने वाले अवसर भी आएंगे कि आप किस कारण अब अपने करीबी दोस्तों से पुरानी भावनाओं से बात नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि तुरंत कोई भी फैसला लेने के स्थान पूर्ण रूप से और सब समझ कर कदम उठाना ही आप सभी के लिए सही होंगे। और आज के दिन आप ऐसी कोई गलती ना करें जिनसे कि आने वाले समय में आपको पछताना पड़े। और आज आपको कुछ इस तरह के कार्यों को करने से बचना होगा जिनसे कि बाद में आपको कई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। जी दोस्तों, और दोस्तों प्रेम और समय राशि पर की दृष्टि में देखिए दोस्तों, आप जैसे रोमांटिक पार्टनर चाहते थे आपकी उस इच्छा में अब कुछ बदलाव आ गया है। ऐसे आपको लगेगा कि आप अभी बनावटी सा रोमांस कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देंगे और रोमांस में अपने हम सफर को तलाश करने की कोशिश भी आप करेंगे। इससे आपको कुछ समस्याएं भी हो सकती है क्योंकि अच्छे हम सफर इतनी आसानी से तो नहीं मिलती है, लेकिन आप इन सब चुनौतियों के लिए भावनात्मक रूप से तैयार भी हैं। और दोस्तों करियर और धनराशि पर दृष्टि में देखिए दोस्तों, कुछ वित्तीय और करियर के विभिन्न अवसर आज आपके सामने आ सकते हैं और आप उन्हें लेने के लिए अभिभूत भी होंगे, लेकिन थोड़ा उलझन भी आप महसूस कर सकते हैं कि किस दिशा में जाएं। दोस्तों सावधान रहें कि ये अनन्य आपको पंगु ना बनाए। अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो यह पूरी तरह से आपके वित्तीय भविष्य को बदल सकता है। त्वरित और निर्णायक कार्यवाही आज के दिन आवश्यकता भी है। और दोस्तों बिजनेस और व्यापार की दृष्टि में देखिए दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से यह जानकारी मिल रही कि आज व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यों में प्रगति भी होंगी और आप अपनी योजनाओं को मूर्त रूप से देंगे। और इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी सेक्टर से जुड़े जातकों को आज दिन भर व्यस्तता बनी रहेंगी, लेकिन अपनी शक्ति व धैर्य से सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त करेंगे और लंबे समय के निवेश के लिए समय उत्तम है। और आज खर्चों पर नियंत्रण भी बना रहेगा और सरकारी व प्रबंधक क्षेत्र से सहयोग प्राप्त होगा। और नौकरी करने वाले जातक आज ऑफिस की राजनीति से दूर रहें और अपने कामों पर आप फोकस करें तो आपके लिए बेहतर रहें। और आज बेफालतू के झगड़े में ना ही पड़े तो आपके लिए और अच्छे साबित भी हो सकते हैं। और दोस्तों स्वास्थ्य की दृष्टि में देखिए दोस्तों, ग्रहों का संकेत है कि आज चिंता का विषय शारीरिक के बजाय मानसिक स्वास्थ्य रहेगा। अगर आप कुछ समय से अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं तो यह सबसे उपयुक्त समय है कि आप किसी भी अच्छे विशेषज्ञ की मदद लें तो आपके लिए अच्छे रहेंगे। अगर आप अभी इस पर ध्यान नहीं देंगे तो समस्या गंभीर हो जाएंगी और कुछ तनाव की भी भूमिका है जिससे आप असहाय महसूस करेंगे और इसके लिए आपको विशेषज्ञ की मदद ही लेनी होगी, तभी आपको इस पर आसानी से मुक्ति मिलेगी। और दोस्तों घर परिवार के माहौल में देखें दोस्तों, आज जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर भी होंगे और परिवार में सुख शांति समृद्धि आएंगी और परिवार के साथ मिलकर भविष्य की योजनाओं को विस्तार देने का समय भी है। पिता का स्नेह प्राप्त होगा और लव लाइफ में किसी वजह से रुकावटें व तनाव उत्पन्न आज हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान न दें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे, अन्यथा इनसे कुछ बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है। और सायंकाल के समय धार्मिक क्रियाओं में हिस्सा भी आप लेंगे जिनसे आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। जी दोस्तों, और दोस्तों विद्यार्थियों के लिए समय आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। दोस्तों जो विद्यार्थी परीक्षा प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें यह समय कुछ बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। और दोस्तों कुछ विद्यार्थियों को यह समय कुछ बड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी तभी आने वाले समय में उन्हें कोई बड़ी सफलताएँ कोई बड़ी खुशखबरियाँ हाथ लग सकती है। जी दोस्तों चलिए बात करते उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आने वाले अगले 24 घंटे यानी कि गुरुवार के दिन कौन से उपाय करने चाहिए जो कि आपके जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों आप लोग गुरुवार के दिन गुरुवार का व्रत रखें और केले के पौधे में जल अर्पित कर पूजा अर्चना करें। ऐसे करने से विवाह में आने वाली रुकावटों का समाधान होता है। और अगर आप विवाहित हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएँ भी नहीं आती हैं। और साथ ही आप लोग भगवान विष्णु को पीले रंग के फूलों के साथ तुलसी का एक छोटा सा पत्ता अर्पित करें और अपने माथे पर हल्दी चंदन या फिर केसर का तिलक धारण करें। दोस्तों इससे आपकी जीवन की तमाम तरह की परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें, आपके सारे बिगड़े कार्य पूर्णतः बन जाएंगे।
और दोस्तों इस दिन का आपका शुभ अंक रहने वाला है 5 और शुभ रंग रहने वाला आपका पीला रंग और शुभ दिशा रहने वाला आपका उत्तर व पूर्व दिशा।